अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस का सही समझ होनी पड़ेगी। तो देखो, पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो ही आपको आगे की चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको शेयर को खरीद कर लंबे टाइम तक होल्ड करके रखनी है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब आखिर क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस को आखिर किया कैसे जाता है, अगर आप भी ये सारा सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में ए टू जेड सीखना चाहते हो तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस को अगर आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल को सुनना होगा, तो ही आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको एक मोबाइल ख़रीदना है, आपको एक फ़ोन ख़रीदना है, तो अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है तो आप मोबाइल के शॉप में जाने के बाद ऐसे तो नहीं बोलोगे कि अंकल मुझे कोई सा भी एक फ़ोन दे दीजिए, कोई भी एक मोबाइल दे दीजिए। आप तो ऐसे नहीं ख़रीदोगे ना, आप पहले सिंपली जाओगे मोबाइल के शॉप पे, वहाँ जाने के बाद आप ब्रांड का नाम बोलोगे, वहाँ जाने के बाद आप मोबाइल का फीचर्स बताओगे कि मुझे बैटरी इतना चाहिए, मुझे प्रोसेसर इतना चाहिए, मुझे कैमरा इतना चाहिए। आप अपना मोबाइल का ब्रांड का नाम बताओगे, काफ़ी सारा फीचर्स बताओगे, उसके बाद वो मोबाइल का जो शॉपकीपर रहेगा वो आपको प्रेजेंट करेगा, उसके बाद ही आप चॉइस करोगे और उसके बाद ही आप मोबाइल को ख़रीदोगे, है ना। आप तो डायरेक्ट जाके ऐसा नहीं बोलोगे ना कि कोई सा भी मुझे एक मोबाइल दे दीजिए। इतना समझ गए? अब देखिए, बात अगर शेयर मार्केट की होना तो शेयर मार्केट में लोग टोटल दो तरीके से पैसा कमाता है, एक होता है ट्रेड करके और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करके। एक तरफ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है शेयर मार्केट के थ्रू से, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है शेयर मार्केट के थ्रू से। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि शेयर को एक ही दिन में ख़रीदना और एक ही दिन में उसको बेच देना। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन से ज़्यादा शेयर को होल्ड करके नहीं रख सकते। एक ही दिन में शेयर को ख़रीदना, एक ही दिन में शेयर को बेच देना, इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ट्रेडर लोग जो रहता है वो इंट्राडे ट्रेड करके शेयर मार्केट से पैसा कमाता है, और जो इन्वेस्टर लोग रहता है वो लोग क्या करता है कि कोई भी कंपनी के शेयर को ख़रीद लिया, अब उसको लंबे टाइम तक होल्ड किया, वो टाइम किसी के लिए 6 महीना हो सकता है, किसी के लिए 1 महीना हो सकता है, किसी के लिए 10 साल भी हो सकता है। इन्वेस्टर लोग क्या करता है, सिंपली कोई कंपनी के शेयर को ख़रीदा, वो उसको लंबे टाइम तक होल्ड किया, जब उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाता है और वो इस पोजीशन में अगर इन्वेस्टर लोग बेच देता है तो उसका हो जाता है प्रॉफिट। अब कुल मिलाकर बात ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस से आखिर ये सारा बातों का आखिर क्या मतलब है। तो देखो, पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो ही आपको आगे की चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो बेसिक में आपने क्या समझा कि शेयर मार्केट में लोग दो तरीके से पैसे को कमाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करके, दूसरा इन्वेस्टमेंट करके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट को नहीं बनाया है तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट को बनवा सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से जाके डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट को खुलवाते हो तो इससे आपको हमारे टीम की तरफ से स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर देना, आप ये वाला आईडी पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं कोर्स का जो लिंक रहेगा वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जिस तरह अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है तो मोबाइल का दुकान में जाने के बाद आप तो डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि मुझे कोई सा भी एक मोबाइल दे दो। आप मोबाइल का काफ़ी सारा फीचर्स बताते हो, कैमरा, प्रोसेसर, रैम, रोम, बैटरी, काफ़ी सारा फीचर्स बताते हो मोबाइल का, उसके बाद ये मोबाइल को परचेस करते हो। इतना समझ गए? सेम उसी तरह बात जब शेयर मार्केट की आती है ना, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं। मैंने आप लोगों को बेसिक पहले ही क्लियर कर दिया ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको शेयर को खरीद कर लंबे टाइम तक होल्ड करके रखनी है, तो उसके लिए आपको, आप जो कंपनी के शेयर को ख़रीदना चाहते हो ना, वो कंपनी के शेयर को ख़रीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अगर आप सही तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करके उसके बाद शेयर को ख़रीदोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है तो मोबाइल ख़रीदने से पहले आप उस मोबाइल के बारे में काफ़ी सारा फीचर्स को चेक करोगे, उसके बाद ही ना आप मोबाइल को ख़रीदोगे। सेम उसी तरह अगर आपको शेयर मार्केट में कोई कंपनी के शेयर को ख़रीद कर उसको होल्ड करके रखना चाहते हो तो उस कंपनी के शेयर को ख़रीदने से पहले उस कंपनी का पूरा फीचर्स को चेक करना, कंपनी का पूरा डिटेल्स को चेक करना, इसी को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है ना, इन्वेस्टर का बात बोल रहा हूँ, ट्रेडर का बात नहीं बोल रहा, अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है
तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस का सही समझ होनी पड़ेगी। जो ट्रेडर लोग रहता है ना, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करता है, जो लोग शेयर को एक ही दिन में खरीदता है, एक ही दिन में उसको सेल करता है, उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस से कोई मतलब नहीं रहता। वो लोग जो शेयर का प्राइस रहता है उसका मूवमेंट को देखकर, जो शेयर का ग्राफ रहता है, चार्ट पैटर्न रहता है, उसका मूवमेंट को देखकर ही शेयर को बाई और सेल करता है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो इन्वेस्टर लोग रहता है ना, जो लोग शेयर को खरीद कर होल्ड करके रखते हैं ना, वो लोग कंपनी के बिजनेस को देखकर ही शेयर को परचेस करता है। फंडामेंटल एनालिसिस में किसी भी कंपनी का आखिर कौन सी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। सबसे पहला होता है कंपनी का मार्केट कैपिटल को चेक करना, यानी कि कुल मिलाकर कंपनी की साइज़ कितनी है। कंपनी लार्ज कैप है या फिर मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी की साइज़ कितनी है, कंपनी का मार्केट कैपिटल को चेक करनी पड़ती है सबसे पहले। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट को चेक किया जाता है कि कंपनी की आखिर मैनेजमेंट कैसी है। उसके बाद कंपनी के सेल्स को चेक किया जाता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका सेल कैसा हो रहा है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट को चेक किया जाता है कि सेल होना एक अलग है और प्रॉफिट होना एक अलग है। सेल तो लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट होना एक अलग चीज़ है, क्योंकि सेल होने के बाद काफ़ी सारा एम्प्लॉई का खर्चा आ जाता है, काफ़ी सारा टैक्स वगैरह देना पड़ता है ना, एडवर्टीजमेंट का अलग खर्चा आ जाता है। तो कंपनी का सेल्स को चेक करना पड़ता है, कंपनी का सेल होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट को चेक करना पड़ता है, कंपनी की ग्रोथ को चेक करना पड़ता है, कंपनी का सेक्टर को चेक करना पड़ता है कि आखिर जो कंपनी के शेयर आप खरीदने वाले हो वो कंपनी आखिर कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। शेयर मार्केट में काफ़ी सारा कंपनी है और काफ़ी सारा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस का सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, काफ़ी सारा सेक्टर है। तो उस कंपनी का सेक्टर को भी चेक करना पड़ता है, कंपनी जो सेक्टर में काम कर रही है क्या वो भविष्य में उस सेक्टर का डिमांड रहेगा मार्केट में, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। उसके बाद कंपनी का अलग अलग रेशियो को चेक करना पड़ता है, PE रेशियो, EPS को चेक करना पड़ता है, PB रेशियो चेक करना पड़ता है, कंपनी का बुक वैल्यू चेक करना पड़ता है। ये जो कंपनी का इतना सारा डेटा, इतना सारा डिटेल्स को एनालिसिस करना पड़ता है ना, इसी को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब जो शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर होगा, जो लोग नए नए आ रहे होंगे शेयर मार्केट में, वो लोग अभी चिंता ये कर रहे होंगे कि आखिर कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले ये सारा डेटा चेक करने का आखिर मतलब क्या बनता है। तो सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आखिर पैसा बनता कैसे है। आपने कोई कंपनी के शेयर को आज खरीदा, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये में कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, अब वो 10,000 जो आपने कंपनी के शेयर को खरीदा, वो शेयर का प्राइस ऊपर कब जाएगा? जैसे जैसे उस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे उस कंपनी का सेल्स बढ़ेगी, जैसे जैसे उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी का शेयर का जो डिमांड है वो भी मार्केट में बढ़ेगा। शेयर का जब डिमांड बढ़ेगा तो उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। कंपनी का जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा, वैसे ही आपका उसमें जो 10,000 लगाया हुआ पैसा है उसका भी वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए अगर आप गलत कंपनी के शेयर को खरीद कर उसको होल्ड करोगे ना, तो गलत कंपनी क्या होगा, गलत कंपनी फ्यूचर में जाकर डूबेगा, उसका सेल नहीं होगा, उसका प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसका डिमांड भी कमेगा, उसमें लगाया हुआ आपका पैसा भी कमेगा। और अगर आप सही कंपनी के शेयर को खरीद कर उसको होल्ड करते हो ना, तो सही कंपनी का सेल बढ़ेगा, सही कंपनी का मैनेजमेंट सही रहेगा, सही कंपनी का हर एक रेशियो सही रहेगा, सही कंपनी प्रॉफिट भी कमाएगी फ्यूचर में, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और उसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा भी बढ़ेगा। इसीलिए शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल ये आती है कि जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर है, वो लोग आखिर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, अपने मोबाइल से कैसे करें। तो अगर आपको ये जानना है कि आप अपने मोबाइल से कैसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड और स्पेशल वीडियो बनाया है, ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप भी अपने मोबाइल से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल आसानी से कर पाओगे।